नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 11 सच्चा बालक का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। यह जो यहाँ पर आपको यह जीवन प्रसंग जो दिया गया है वह सच्चाई का दिया गया है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है और इससे डाकुओं का भी जीवन अच्छी तरह सुधर जाता है। तो चलो बच्चों, आज हम इकाई 11 का अध्ययन करेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। यानी कि कई समय पहले एक काफिला था, काफिला यानी कि व्यक्तियों का समूह, वह बगदाद की ओर जा रहा था और रास्ते में उन पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। इस काफिले में एक 9 वर्ष का छोटा बालक था। वह यह जो लूटमार हो रही थी वह चुपचाप खड़ा रहकर देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, यानी कि लड़का खड़ा था, लड़के को देखकर एक डाकू उसके पास आया और एकदम से कठोरता से गुस्से से कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। अशरफियाँ यानी कि जो सोने के सिक्के आते हैं उसको हम अशरफियाँ कहते हैं। यानी कि लड़का कहता है, हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू चकित होकर बोला, क्या है, तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के के हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। जो डाकू लड़के से पूछ रहा था वह उसका हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशरफियाँ कहाँ हैं? लड़का बोला, लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाली, उनके सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। यानी कि लड़के ने सदरी यानी कि जो जाकिट आती है वह और उसके कपड़ा होता है उसके भीतर का, उसे सदरी कहते हैं। यानी कि सदरी को फाड़ कर यानी कि जो जाकिट था उसका अस्तर में सिली हुई थी, उसको अस्तर का तोड़कर उसमें जो अशरफियाँ छुपी हुई थी वह निकाली, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, देखो ये रही अशरफियाँ। सरदार आश्चर्य से, लड़के अशरफियों का इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार ने पूछा कि यह जो उपाय है तुम्हारा सदरी को फाड़ कर रखने का, यह किसने बताया है तुम्हें? लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार बोला, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते हैं और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू बोला, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस दे दो।
डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर एक बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलो बच्चों, यह जो छोटा बालक था वो कौन था? अब्दुल कादिर था। और वह बड़ा होकर क्या हुआ? संत बना, महान। और उनकी समाधि आज भी बगदाद में स्थित है। तो चलो बच्चों, मुझे आशा है कि यह 11वां सच्चा बालक आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क में एक बार यह 21 अच्छी तरह से पढ़ना है एवं उसके शब्दार्थ और मुहावरे भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। होमवर्क में फिर से दोहरा देती हूँ, यह 21 आपको एक बार पढ़ना है, उसके शब्दार्थ और मुहावरे आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।